मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और नए साल की नई शुरुआत थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा वुमेन्स पावर्स के साथ। सो आई वेलकम डॉक्टर अश्विनी वसुलकर, वन ऑफ द पिलर ऑफ HHF नागपुर। तो हम अश्विनी के साथ आज स्पॉन्जिया सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि अश्विनी एक हार्डकोर मेंबर है और एक पैशनेट होम्योपैथ है। तो मजा आएगा आपको पढ़ के भी। तो लेट अस स्टार्ट विथ स्पॉन्जिया। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काइंड वर्ड कहेंगे, ये तो सब मजा है। तो स्पॉन्जिया भी रेमेडी भी ऐसी है जो मजा करने वाली रेमेडी है ना। तो मतलब जितना भी इसने भी दो तीन केसेस इसने जो बताए थे उसके बाद मैं स्पॉन्जिया पढ़ना शुरू किया। वैसे तो हमारे HHF में स्पॉन्जिया बहुत अच्छे से एक्सप्लोर हो चुकी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्पॉन्जिया फर्स्ट। स्पॉन्जिया है क्या? ये एक एनिमल किंगडम का एक रेमेडी है जो कि समुंदर में मिलता है, नीचे में स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं ना, तो उससे उससे बनाया हुआ ये रेमेडी है। अब जो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बताया जाता हूँ कि स्पीयर ऑफ एक्शन के साथ हर रेमेडी को समझना बहुत जरूरी है, पर इसके साथ साथ की नहीं अश्विनी, स्पॉन्जिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। एक्चुअली बहुत कम, मोस्टली इसको कि नहीं अपन लोग कफ के लिए या फिर खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए या फिर ग्लैंडुलर रेमेडी करके छोड़ देते थे। तो इसका स्पीयर ऑफ एक्शन भी हम लोग समझते थे। तो स्पीयर ऑफ एक्शन इसका क्या है? ग्लैंड पे इसका एक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका एक्शन है, कार्डियक और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे जब ये एक्ट करता है तो अलग अलग तरीके की कुछ सिम्टम्स पैदा करता है। जैसे ग्लैंड्स पे अगर इसने एक्ट किया तो वहां पे इंड्यूरेशन होगा, हाइपरट्रॉफी होगा, और हाइपरट्रॉफी के साथ वहां पे हार्डनिंग होगा। तो जब भी हार्डनिंग होगा पेशेंट को दर्द होगा, इसलिए इसमें कि नहीं ऑर्काइटिस वाले सिम्टम्स बहुत ज्यादा है। तो टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिकल हार्ड हो जाते हैं, इसलिए भी हम लोग ये स्पॉन्जिया दिए जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक पे तो इसका बहुत अच्छा एक्शन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करके उसको ड्राई कर देता है, इसलिए वो ड्राई कफ और बहुत मोस्ट फेमस रेमेडी है। तो वैसे जबरदस्ती से निकाला जाता है ना खांसी, तो तब हम लोग स्पॉन्जिया देते हैं। ये कि नहीं हार्ट पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। Yes, valves of hearts पे बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो especially walls पे, walls का काम क्या है ना, ब्लड को इधर से उधर लेके जाना। एक्चुअली होता क्या है, walls पे काम करता है मतलब ये lymphatic system जो है हमारी, वो lymphatic system सारा drain की नहीं heart के तरफ छोड़ देता है। अब ये heart properly काम नहीं कर पाता क्योंकि वहां पे सारा चीज की नहीं जमा हो जाता है, मतलब एक डिपॉजिट हो जाता है वहां पे, सारी गंदगी जो है ना वो डिपॉजिट होती है, इसलिए वो वॉल्व्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता। तो इसलिए हार्ट वाली भी रेमेडी है, तो ये दिल वाली भी रेमेडी है आप बोल सकते हो। तो मतलब आपको हमेशा इसमें हाइपरट्रॉफी मिलेगा, मतलब हार्ट का हाइपरट्रॉफी भी मिलेगा, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट वगैरह मिल जाएगा। तो हार्ट अटैक तो कम आएगा इसको, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कम आएगा, लेकिन वल्वुलर डिसऑर्डर्स आने के चांसेस ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये रेमेडी मस्त है, सीखने हैं हम लोग। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस रेमेडी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस रेमेडी विद केस। तो अश्विनी आपके पास जो केस है वो बच्चे वाला, एंग्री बच्चे वाला। यस, मेरे पास एक केस था, 17 इयर्स का एक बच्चा था, उसकी मम्मी उसको लेके आई थी फॉर हिज एंगर एंड इरिटेबिलिटी इश्यूज। मम्मी मेरी रेगुलर पेशेंट है, तो वो उसने ऐसे ही बताया था एक विजिट में कि ऐसा ऐसा है। मैं बोली हाँ आप एक बार लेके आइए। तो जब वो बच्चा आया तो उसको मैंने सिर्फ पूछा कि कैसे चल रहा है, तो बोला कुछ नहीं, आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मम्मी बोली कि, मैंने बोला कि मम्मी तो बोल रही थी कि आपको एंगर इश्यूज है और आप बहुत चिड़चिड़ करते हो। हाँ वो क्या, वो तो मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके लिए दवाई की क्या जरूरत है। मतलब देखो उसका बताने का तरीका कितना सही है ना, वो तो मैं तो यू ही कर सकता हूँ, उसके लिए दवा लेने की क्या जरूरत है, और आपकी दवाई से ये होता है। तो आई वाज लाइक कि बापरे। तो फिर बाद में जब उसकी केस लिया तो काफी कुछ नया नया पता चला कि वो अभी 12th अपियरिंग था वो, और उसने अभी ये 4-5 महीने में ड्राइंग करना चालू कर दिया था, रूम में बंद हो जा रहा था और दिन भर ड्राइंग, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना। मम्मी समझा रही थी कि भाई तेरी एग्जाम है अभी पढ़ाई कर, तो बट पर वो नहीं सुन रहा था, वो बस उसी में था। मतलब सोचो आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, पढ़ाई के नाम पे दूसरा कोई भी चीज करते रहता है। अभी 12th है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ईयर सबके लिए, और ये बंदा ड्राइंग कर रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है। हाँ,
और उसका ये भी था। फिर मैंने और थोड़ा सा केस टेकिंग में ये पता चला कि उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हाँ वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज वगैरह, उसके फ्लोटर्स भी प्यूमा के पहनता है। 17 ईयर्स का लड़का है और फ्लोटर्स भी प्यूमा के पहनता है, मॉल के सिवा कहीं और शॉपिंग करता नहीं है। और केस लेते लेते मैंने ऐसे पूछा था कि भाई आपके पास अभी मोबाइल होगा तो फ्रेंड्स लोगों के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हो, तो वो बोला कि नहीं मेरे पास मोबाइल, उसने फोन निकाला, एक वो बेसिक फोन था उसका, और मेरे को बोलता कि मेरे पास ये फोन है पर ये ना आईफोन से क्या कम है। तो यहाँ बताने का तरीका था, आईफोन से क्या कम है, था तो वो कीपैड वाला फोन ना, अभी तो सारे बच्चों के पास एकदम स्मार्टफोन आ गया है, मस्त आईपैड ओपल सब लेके आ गए। तो वहां पे मैंने ये जो उसका था बिहेवियर वहां पे पर्ट लिया था, और एक और रूब्रिक लिया था एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस विद, तो और एक्सक्लूसिव टू, ये सब लेके मैंने उसको स्पॉन्जिया लिया था और उसका एंगर इश्यूज एकदम अच्छे से रिजॉल्व हो गए थे। अश्विनी अपने व्यूअर्स को किनी एब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस ये थोड़ा सा समझाओ, ये रूब्रिक मैंने सिखाया अपने गुप्ता सर जी से, उनके ऑडियो में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। Absent minded, the rubric is absent minded inadvertence. अगर आप रेपर्टरी पे देखते हैं तो inadvertence के नीचे उनका उसका क्रॉस रेफरेंस दिया है माइंड हिडलेस, तो हिडलेस वाला हिडलेस के साथ ये काफी मिलता जुलता है। पर हिडलेस में क्या होता है कि हिडलेस में आप बताते हैं सामने वालों की सामने वाले को कि भाई ये तू चीज ना कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसको समझता है अच्छा नहीं है पर वो इंटेंशनली वो चीजें करता है। पर यहाँ जो रूब्रिक है अपना एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस, इसके सामने एब्सेंट माइंडेड लगा है। व्हाट इज तो एब्सेंट माइंडेड यानी कि उसका दिमाग वहां पे है ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसका उधर ध्यान है ही नहीं, तो इसीलिए ये रूब्रिक है एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस, यानी आप उसको बता रहे हैं उसका तो वो चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ये रूब्रिक है। अब्सेंट माइंडेड कैसा होता है ना, अब्सेंट माइंडेड पर्सन्स आर दोज पर्सन्स, जब आप उनसे बात करते रहो मतलब ऐसे ग्रुप में अपनी दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, और जब उसको बोले जो हां तो वो बोलता हां 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 क्या क्या क्या, तो दिस इज अब्सेंट माइंडेड। तो ये अब्सेंट माइंडेड इन एडवर्टेंस इस तरीके से हमको हमारे क्लिनिक में देखने के लिए मिल सकता है। एक और एक छोटा सा केस था अश्विनी का ही, एक और यही रूब्रिक से मैंने एक और पेशेंट था हाइपरथायरॉयडिज्म वाला, वो भी 9th में, हाँ 10th अपीयरिंग था, तो उसके भी मम्मी का ऐसा ही बोलना था कि ये अभी उसके 10th की एग्जाम है, अपन उसको बोलो कि भाई पढ़ाई कर, तो वो गार्डर आता है तो उसके पीछे लग जाता है, और अभी बीच में पीछे लगा था कि भाई कुत्ता चाहिए मुझे, मेरे को कुत्ता पालना है, तो ये वहां पे भी मैंने ये रूब्रिक लेके उसको स्पॉन्जिया दिया और उसका थायराइड लेवल एकदम नॉर्मल हो गया था। मतलब स्पॉन्जिया की पर्सनैलिटी आपको मोस्टली पर्ट वाइवेशियस इस तरीके से दिखेगी, मतलब आपको फील आएगा कि यार ये साला देर शाइना तो नहीं है, या फिर ये जरा ज्यादा ओवर स्मार्ट तो नहीं है, ये इस तरीके से दिखने का मतलब बहुत बहुत बार आपको मतलब ये दिखेगा, प्रेजेंटेशन होगा। मतलब एक मेरे पास छोटा सा बच्चा आता था क्लिनिक में, वो दरवाजे से आता था, बिंदास खोलता था दरवाजा, ऐसे मेरे चेयर के पास आता था, और मेरे चेयर के पास आके कि नहीं मेरे लैपटॉप से कुछ भी ऐसी, पर क्या ना उसका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था ना, उससे मुझे गुस्सा नहीं आता था यूजुअली कि नहीं हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन या फिर कोई इस तरीके से डिस्ट्रक्टिव चिल्ड्रन अगर हमारे पास है ना, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं भाई यार मेरा लैपटॉप तो नहीं टूटे। पर इसकी इसमें कैसा ना, वो एक क्यूरियसिटी बोलो या फिर एक वाइवेसिटी बोलो या फिर एक डेयरिंग बोलो, कि जिससे कि नहीं आपको अच्छा भी लगेगा और क्या है यार ये जरा ज्यादा ही शाणा बन गया। हाँ, पर वो जनरली शाणा जब रहता है तो अपने को गुस्सा आता है। हाँ, पर स्पॉन्जिया का जब अगर पेशेंट अपने पास आता है तो उसके शाणेपन पे अपने को गुस्सा नहीं आता है। हाँ, तो दिस इज केस, हम लोग इस तरीके से हर एक रेमेडी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा किन्हीं स्पॉन्जिया पे लाइट डालने की कोशिश करते हैं। तो स्पॉन्जिया ये जो रेमेडी है हनीमन सर ने उस वक्त प्रूव की हुई है, बहुत पुरानी रेमेडी है, हनीमन सर ने बहुत सारा डाटा है उसका प्रूविंग्स में, आप अगर हनीमन सर के प्रूविंग्स में देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें लिखी है, कफ के बारे में लिखा हुआ है, थ्रोट के बारे में लिखा हुआ है, इरिटेशन के बारे में लिखा है, लेकिन किन्हीं पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे प्रूविंग में किन्हीं एक बहुत कॉमन लाइन सर ने लिखी हुई है, इनरेजिस्टेबल इंक्लाइनेशन टू सिंग, मतलब ये क्या है ना, उसको इतना रेजिस्ट नहीं कर सकता कि गाना गाना है तो गाना है, मतलब वो रोक ही नहीं सकता खुद, विथ एक्सेसिव गीटी फॉर हाफ एन आवर,
आधे घंटे तक ऐसा रहेगा, लेकिन आधे घंटे मतलब एक एक मर्द समान फीलिंग आएगा, एक वाइब्रेसिटी रहेगा, एक बहुत ज्यादा उत्साही ऐसा दिखेगा, आनंदी रहेगा, आनंदी रहेगा, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर वो किनी इनडिस्पोज टू ऑल दिस वर्क के लिए जाएगा। इसको किनी पाठक सर ने मस्त लाइन लिखी हुई है, पाठक सर ने लिखा है, इररेसिस्टिबल डिजायर टू सिंग विद एक्सेसिव मर्थ फॉलोड बाय सैडनेस। मतलब ये प्रूविंग में मिली थी, और देखो मतलब कैसा किस तरीके से हमारे मास्टर लोग काम करते थे, प्रूविंग वाली चीज को हम लोग समझना बहुत शुरू कर देते हैं। तो हम इसको के लिए रेपर्टरी के लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करेंगे, दीज आर अल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ मतलब स्पॉन्जिया। मतलब स्पॉन्जिया एक तरफ बहुत ज्यादा चीयरफुल दिखेगा, फिर बाद में एकदम से सैडनेस चला जाएगा। तो ये एक स्पॉन्जिया है, उसको मतलब गाना गाना ही है तो गाना गा देगा, जो करना है वो कर देगा। मतलब ही इज पर्ट विटी, उसका ह्यूमर भी अच्छा रहेगा। तो ये है, तो केन सर ने की नहीं एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या था वो सेंटेंस? स्पॉन्जिया इज अ रेमेडी ऑफ हार्ट एंड इट प्रोड्यूस, और वो भी बोला है कि अगर रेमेडी एंजाइटी और फियर के सिम्टम्स दिखाता है विदाउट पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन, तो वो जनरली कार्डियक होती है। केन सर ने एक लाइन बहुत अच्छा लिखा, पहली लाइन लिखी हुई है केन सर ने, The mental symptoms of spongia shows that it is a heart remedy. Heart remedy मतलब heart pathology के level पे heart में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, जो हमने आपको पहले ही बोला था कि valvular level पे इसका disease होता है, valvular depositions होता है, तो वो properly connect नहीं कर पाता है। तो ये जब हमारे क्लिनिक में आएगा, मतलब मोस्टली कैसा ना, सारे पेशेंट्स कभी भी आएंगे, मतलब हमको एक स्पॉन्जिया पेशेंट इस तरीके से ही दिखेगा, एकदम वाइवेशियस दिखेगा, विट्टी दिखेगा, फ्रिवोलस दिखेगा, ओवर एक्टिव दिखेगा, मिस्चीवियस भी रहेगा, डिसोबीडेंस पीपल में भी रहेगा। ये सब जो सर ने बोला है वो सब पर्ट की क्वालिटीज है ना, वो एक वर्ड के वर्ड में वी कैन डिफाइन इट एज अ पर्ट। और इसको के लिए जर्नी में जब हम लोग समझने जाते हैं, तो अश्विनी ने एक एक वर्ड मुझे बोला था, एक्सपांसिव। तो दिस इज एक्सपांशन ऑफ स्पॉन्जिया, तो वो लिबर्टिनिज्म में है, पर्ट है, हाई स्पिरिटेड है, मर्थ है, क्लियरिटी ऑफ माइंड है, चीयरफुल है, अम्यूजमेंट डिजायर है ना, डिफाइंड है, उसको चेंज हमेशा चाहिए होता है, कंटेंट है वो अपनी लाइफ में, जहां पे वो है अभी एक्सपांशन में, ही इज कंटेंट। उसकी तीन फेजेस होती है उसकी जर्नी की, एक्सपांशन, ऑब्स्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तीन फेजेस में उसकी जर्नी होती है। अपने को जो मिलता है जनरली जो फेज है वो इनिशियल फेज में होता है या फिर लास्ट फेज में मिलता है। जैसे अभी सर ने जो बताया, इनिशियली वो वाइवेशियस, चीयरफुल, हाई स्पिरिटेड, कंटेंट और अम्यूजमेंट, लिबर्टिनिज्म में है वो, तो ये कंडीशन में दिखता है। उसका प्रेजेंटेशन जनरली रहता है एक्सपांसिव रहता है और कम्युनिकेटिव होता है, पेशेंट बहुत बोलता है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है चीजों को अपनी, तो वहां पे वी कैन कैच विद दिस रूब्रिक। पर इसका तकलीफ कब शुरू होता है? हाँ, इसका तकलीफ जब, जैसे अपने पता है अपने को कि लिबर्टिनिज्म वाला बंदा है तो उसको रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, तो जहां इसको रिस्ट्रिक्शंस आएंगे इसकी कंप्लेंट्स चालू हो जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस तो इसीलिए इसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉडिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइड में है, एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशंस में है, मेंटल एक्सर्शंस है। तो इस तरीके का जब इसको वो ब्लो आ जाता है ना, इसके लिबर्टी को जब, मतलब ये कैसा ना, आपको पहले बोल दिया कि ये हार्ट वाली रेमेडी, मतलब ये दिल वाला बंदा है, दिल वाला बंदा है, दिल से काम करता है, बिंदास काम करता है, किसी के रिस्ट्रिक्शंस में नहीं, इसलिए वो लिबर्टी में है, ठीक है। जब इसको कोई रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर देता है तो इसको तकलीफ होती है। ही इज ओवर सेंसिटिव, ही गेट्स ऑफेंडेड इजीली, तो किसी ने उसको टोका तो उसको अफेक्ट हो जाता है। हाँ, तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। Yes. अब ये बिगड़ के ये एक ऐसी स्टेट में आ जाता है जिसको अश्विनी ने एक आखिरी वाला स्टेज बोला है। इसके एक बीच में भी स्टेज है एंगर वाली, पर इट इज अल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, ये रूब्रिक्स है। गुस्सा आता है पर ही कैन नॉट एक्सप्रेस, इसीलिए वो सफोकेशन में जाता है। तो क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, वट इज द रीजन की वो बोल नहीं सकता है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ सेंसिटिव पर्सन और एट द सेम टाइम ही इज वेरी कॉन्सेंशियस, तो इसीलिए वो लोगों को रिवर्ट बैक नहीं करता है, अपने पास ही रखता है, इसीलिए उसको वो सफोकेशन वाली फीलिंग आती है।
और उसके बाद वो खुद को दबाता है और बाद में उसको पर्सनालिटी एरर्स में जाता है वो, कि कैसे उसको बिहेव करना है, इनके तरीके से बिहेव करूं या मेरे तरीके से बिहेव करूं। तो ये दुविधा में वो चला जाता है और बाद में उसको खुद को बहुत बुरा लगता है, जैसे वो उसने एक्सपांशन फेज में वो कैसे बिहेव किया है, इसीलिए उसको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए फिर वो बाद में उसको रेचर्ड फीलिंग में जाता है, डिस्पेयर में जाता है, बाद में वो डिटैच हो जाता है और फाइनली ही रिजाइन्स। तो ही रिजाइन्स फ्रॉम ऑल द जो भी चीजें हैं उसमें से छोड़ के चला जाता है। एक्चुअली ये स्टेज में जाने के पहले ना उसके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से, ये जाता क्यों है पता है, क्योंकि एक एक बहुत प्यारा सा रूब्रिक है, दैट इज ड्वेल्स नर का रूब्रिक है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल ऑकरेंस टॉर्मेंटेड बाय अ फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट ऑफ द पास्ट। मतलब ऐसी चीजें जिसने इसको बहुत लताड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, मतलब ऐसी पूरा उसका निचोड़ डाला है, तो ये इसकी चीज से बहुत दिनों तक नहीं जाती, और जब वो उसमें से सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है तब ये रेजिग्नेशन के स्टेज पे चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्जिया। तो ये स्पॉन्जिया जब भी आपके क्लिनिक में आएगा ना, आपको दो तीन रेमेडीज आपके बहुत कॉमन है, स्पेशली जैसे केन सर ने आपको एंजाइटी के साथ, मतलब जो फियर हार्ट के साथ एकोनाइट को मतलब कंपेयर किया हुआ है, तो एकोनाइट और स्पॉन्जिया में फर्क सिर्फ इतना है, एकोनाइट को अश्योरेंस चाहिए होता है, आपको अश्योरेंस दे दो वो ठीक हो जाएगा, स्पॉन्जिया इतना अश्योरेंस का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बंदा है, खुद से लड़ने वाला बंदा है, तो ये कर लेगा, ये मैनेज कर लेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड क्लियर तो ही। और जब वो एक्सपांशन वाले फेज में आता है तब बेलाडोना और लैकेसिस के साथ बहुत कंपेयर होगा। तो हाँ, तो बेला के साथ वी कैन डिफरेंशिएट, बेला इज अफेक्शनेट, स्पॉन्जिया इज नॉट अफेक्शनेट, बेला कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट में है, मतलब बेला की तकलीफ जब स्टार्ट होगी तो वो कुछ भी हो जाए मुझे तो अभी ठीक करना है, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, मतलब इसकी फट जाती है। ये जो है ना स्पॉन्जिया, ये थोड़ा सा दमदार इंसान है, है ना, तो ये दो रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज और केयर्स फुल ऑफ में भी बेला है और स्पॉन्जिया नहीं है। हाँ, बेलाडोना की नहीं, मतलब आपको क्रेडुलस दिखेगा, वो भी वाइवेशियस है, ठीक है, मतलब आपको ये तीनों रेमेडीज डिफरेंशिएट करने से पहले की नहीं आपको पता होना चाहिए कि तीनों रेमेडीज आपके सामने सेम सेम दिखेगी कैसी, तीनों भी रेमेडीज आपको ऐसी दिखाएगी कि हम बहुत तकलीफ में है, मतलब डिल्यूजन प्रोसिक्यूटेड, ही इज प्रोसिक्यूटेड, तीनों रेमेडीज डिल्यूजन प्रोसिक्यूटेड में है, तीनों लिबर्टी में है, तीनों को लिबर्टी चाहिए होती है, तीनों अम्यूजमेंट में भी है, तीनों अम्यूजमेंट में है, प्रेजेंटेशन तीनों का सेम रहता है, वाइवेशियस चीयरफुल ये सब सेम, तीनों फ्रिवोलस है, तीनों एक्सिलरेशन में है, तीनों वाइवेशियस तो है ही है, पर एक चीज बहुत कॉमन है तीनों में, तीनों भी अल्लाह रखा लोग है, मतलब ये कि नहीं कभी भी टाइम पे नहीं आएंगे, तीनों भी अपने लिबर्टी के वजह से कभी टाइम पे नहीं आएंगे, दे आर ऑलवेज लेट टू देयर वर्क। पर आप डिफरेंशिएट करते वक्त जब है ना, जैसे बेलाडोना बताया कि कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट में चला जाएगा, है ना, कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट में चला जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, बेलाडोना हमेशा अलर्ट हो जाएगा, वो क्रेडुलस रहता है, ठीक है, वो एंटिक्स प्ले करेगा और जब वो आपके पास आएगा ना, ही विल बेग फॉर रिलीफ, बेगिंग करेगा, उसको लाइट होना है ना, उसको अपना एंजॉय करना है तो उसको लाइट होना है, मतलब जब भी उसको कॉम्प्रेस किया जाए, उसकी लिबर्टिनिज्म ऐसी पकड़ ली जाए, तो वो एकदम से बंदा गड़बड़ हो जाएगा। पर वाइल लैकेसिस का थोड़ा सा अलग है, बेलाडोना और स्पॉन्जिया से, तो लैकेसिस को भी अम्यूजमेंट पसंद है, लैकेसिस को भी अम्यूजमेंट पसंद है ना, सिर्फ लैकेसिस और स्पॉन्जिया को आप डिफरेंशिएट दो ही चीजों में करोगे, स्पॉन्जिया किसी से अटैच नहीं रहता, मतलब स्पॉन्जिया किसी से अटैच नहीं रहता, स्पॉन्जिया में अम्यूजमेंट तो है, ठीक है, पर स्पॉन्जिया में एक प्रॉब्लम है, उसको फैमिली मेंबर्स नहीं चाहिए होते, क्योंकि उसका लिबर्टी चल रहा है, वो रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, वाइल लैकेसिस को केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, है ना, इस तरीके का लैकेसिस रहेगा, अटैच बहुत रहता है, बहुत रहेगा, मतलब आपको हमेशा ये दो तीन रेमेडीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने के चांसेस है, पर ठीक है, स्पॉन्जिया और लैकेसिस में बस यही डिफरेंस है कि स्पॉन्जिया क्यों, पता है आपको स्पॉन्जिया अटैच क्यों नहीं रहता, स्पॉन्जिया अटैच होने न होने के पीछे का रीजन की नहीं, उसके डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में, अब उसका डॉक्ट्रिन कैसा है ना,
एक तो वो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गन है पर वो समुद्र में रहता है, पर फिर भी उसका एक भी सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है, मतलब ना रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली डेवलप हुआ है, ना जीआईटी उसका प्रॉपरली, ना एक्सिलेटरी सिस्टम, वो सिर्फ कैनल कैनल में ही, मतलब वो सेल्स तो है लेकिन वहां टिश्यूज नहीं है, सेल तो है टिश्यूज नहीं है, वहां स्पोर स्पोर रहते हैं, तो स्पोर में से जब पानी जाता है तो उसमें से वो फूड कलेक्ट करके वो अपना काम तो चला लेता है। इसलिए पता है स्पॉन्जिया केयर में नहीं है, स्पॉन्जिया लैमेंटिंग नहीं है, स्पॉन्जिया कंप्लेंट में नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसको किसी से कुछ नहीं लेकर कोई लेना देना नहीं। स्पॉन्जिया फैमिली से अटैच नहीं है, स्पॉन्जिया सेल्फिश नहीं है, स्पॉन्जिया सीक्रेटिव नहीं है, पर ये इमोशंस जुड़े नहीं है। क्यों नहीं जुड़े है इसके? क्योंकि ये दिल वाली रेमेडी है, अपने दिल की ही सुनता है, बाकी किसी की नहीं सुनता है। करना है जो कर, बाद में देखा जाएगा। पर इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। यूजुअली कैसा ना, जब भी क्लिनिक में आता है कोई भी पेशेंट से, हम लोग जब भी बात करते हैं तो हाउ ही डज एंड व्हाट ही डज इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब ये प्रेजेंटेशन जो है, ये व्हाट ही डज इज अ प्रेजेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्जिया। So thank you, Ashwini. Thank you very much for giving us a time for this wonderful remedy. So happy new year once again. Yes, happy new year to everyone. To मजा करो, enjoy करो. And one more thing, हमारे video को like करो, comment करो, share करो और channel को subscribe करो. Subscribe करो. चलो, thank you all.